When I started my career, there was only one woman in top management that I could look up to, and she was miles away from my pay grade. But she had made it, and that was enough for me to believe. Now, I'm inspired by women everywhere I turn, all ages, all walks of life, every single angle and view now open for us to experiment, dominate, enjoy. The world is thirsty to see us thrive as never before in history. But contrary to what most people think, I believe we must stop exploding in deafening noise, rather to implode into ourselves. This is a process where we find the best version of why we do instead of what we do, in order to be the catalysts of change in our work and personal environments, responding eloquently to life instead of reacting to it. When we cease defining ourselves by what we do and live ourselves as who we are, both at work and at home, we will live a personal singularity of sorts, only to become the leaders we wish to be. Because when we are true and upstanding to ourselves, others believe, care, and ultimately will follow. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the Catalyst of Change Women Leaders in Science Seminar Series. We will be hearing today from a very distinguished leader in science and business, Yvonne Ochoa Rossellini. There is an interpretation available in Spanish, French, and Hindi. Namaskar. Catalyst of Change Women Leaders in Science Series के पहले वेबिनार में आप सबका स्वागत है. साइंस में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन और जेंडर बैलेंस के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें विमेन लीडर्स के विचार सुनने का ज्यादा मौका मुहैया कराना चाहिए, ताकि उनके जीवन के बारे में, उनके लेसन्स और इनसाइट्स के बारे में ज्यादा जाना जा सके. इस सीरीज में हम ऐसी महिलाओं को सुरखुरू करेंगे जो हर तरह की क्षमताओं, क्षेत्रों और डिसिप्लिन्स में लीडर्स हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि लीडरशिप स्टाइल्स कई रूपों में हो सकते हैं. आज का वेबिनार इस सीरीज का पहला है और इसमें हम पेश कर रहे हैं इवॉन ओचोआ रोसेलिनी को. इवॉन स्ट्रेटजी और फाइनेंस में एक एक्सपर्ट हैं. वो ग्रुपो कॉपल कंपनी की सीएफओ रह चुकी हैं. इस कंपनी की सेल्स 8 अरब डॉलर से ज्यादा की है. इसमें 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और 4 करोड़ कस्टमर्स हैं. आज इवॉन कई बोर्ड्स पर सर्व करती हैं. इनमें वीवो एरबस का बोर्ड भी शामिल है. आपने 2007 में अपनी खुद की फर्म कन्विक्शन बनाई थी, जिसके जरिए आपने मेक्सिको, अमेरिका, अर्जेंटीना और स्पेन के 40 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स में ओनर्स और सीईओस को एडवाइस किया है. इन सेक्टर्स में बैंकिंग, फाइनेंशियल, रिटेल, हेल्थ टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी,
agriculture, housing, services, manufacturing, restaurants, publishing, entertainment और marketing शामिल हैं। 2020 में Forbes magazine ने इवान को दुनिया की 100 most powerful women में शामिल किया था और 2019 में और 2020 में expansion magazine ने भी ऐसा ही किया था। तो और ज्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं अब इवान का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा और अब स्टेज उन्हें सौंपूंगा। आज आपने यहाँ अपनी मौजूदगी से हमारा सम्मान बढ़ाया और जो लोग ऑनलाइन आज हमसे जुड़े हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा यकीन है कि हम आज इस इवेंट का भरपूर आनंद लेंगे और इवान के कमाल के लीडरशिप एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखेंगे। आप बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो वाकई बदलाव लाना चाहता हो। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा किया है, मैंने सचमुच काफी बदलाव किए हैं। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में, बैंकिंग में मैंने काम किया, कंपनीज की शक्ल मैंने बदल कर रख दी, मैं अलग अलग कंपनीज में काफी हाई पोस्ट पर रही हूं, साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रही हूं। मुझे लगता है कि मैंने काफी बदलाव किए हैं, लेकिन क्या मैं कैटलिस्ट रही हूं बदलाव की? मैंने ये सफर किया है और खुद को कैटलिस्ट ऑफ चेंज बनाने की कोशिश की है। मेरा जीवन का पूरा सफर महिलाओं के साथ रहा है। हम 5 बहनें थीं, मैक्सिको के स्कूल में पढ़ते थे जो लड़कियों का था। मैं अमेरिका के स्कूल में गई, वहां भी लड़कियां ही पढ़ती थीं। कॉलेज में हालांकि लड़के लड़कियां थीं, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी में यही सोचती रही हूं कि मैं बदलाव लाऊं। जब हम छोटे थे तो हमेशा सोचते थे कि आखिर हम क्या करें, क्या बने। सवाल रहता था कि जब आप बड़े होंगे तो क्या बनेंगे। फिर अचानक हमने काम शुरू कर दिया, काम के दौरान कुछ चीजें बहुत काम की होती थी कि आप कौन हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, तो जीवन की गहमा गहमी में आप भूलने लगते हैं कि आप हैं कौन, आप अपने आइडियाज को, नॉलेज को और आप क्या बनना चाहते हैं उस सब को भूलने लगते हैं।
आप ट्रैवल को, एडवेंचर्स को भूलना चाहते हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते थे। साथ ही विमेन के तौर पर दुनिया हमसे जो उम्मीद रखती है हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। यानी जिंदगी के बारे में कुछ स्टीरियोटाइप्स चीजें लागू हो जाती हैं। कुछ नियम हैं जैसे कि जिनमें महिलाओं को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, पुरुषों को नहीं पहननी पड़ती है। तो यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। एक विमेन से ये भी उम्मीद की जाती है कि वो अपना घर देखें, अपने बच्चों को संभालें। यानी एक धर्रा सा बन जाता है जिंदगी का। लेकिन मैंने इस धर्रे को तोड़ने की कोशिश की, मैंने कुछ नया करने की कोशिश की, नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, बदलाव लाने की कोशिश की। लेकिन बदलने के लिए वाकई कुछ बड़ा करना होता है, सिर्फ छोटे मोटे बदलाव से कुछ नहीं बनता। आप ये तस्वीर देखेंगे तो इसमें आपको कई दरवाजे नजर आएंगे लेकिन ये कहीं खुलते नहीं है। लेकिन अगर आप सोचें तो ये दरवाजे ये दर्शाते हैं कि ये दरवाजे मौके की निशानी है। आपको ये सोचना होता है कि मेरे लिए क्या संभावनाएं हैं, मैं क्या कर सकती हूं रोज की जिंदगी में, और मेरा तरीका भी थोड़ा अलग होना चाहिए। और जब आप एक बिल्कुल अलग नजरिए से चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो फिर धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है और मेरे लिए मौके हैं। तो अगर अलग तरीके से सोचेंगे तो आपको लगने लगेगा कि हम क्या बनना चाहते थे, क्या बन सकते हैं। आप जब रोज एक ही ढंग से काम करते हैं तो आपको लगने लगता है कि नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है। आप उसमें दिलचस्पी खो देते हैं। और फिर सवाल उठने शुरू होते हैं कि मैं कौन हूं, कहा जाता है कि महिलाओं को एक
अगर आप लोगों की जिंदगी को बदलने की शुरुआत करें और उसमें कामयाबी भी हासिल करें, तब जाकर असली बदलाव की शुरुआत हो। जब आप लोगों के साथ बात करते हैं, टीमों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब आप चीजों को एनालाइज करते हैं कि इन चीजों का लोगों के साथ कैसे कनेक्शन है, तो अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ये बदलाव जो होगा वाकई बहुत क्रिएटिव होगा, सृजनात्मक होगा। तो हमें इस बारे में फिर से सोचना होगा कि हम कौन हैं। हम लोग हैं, हम सोशल हैं, और सोसाइटी सिर्फ काम से नहीं बनती, ये घर से बनती है। हम सब होम मेकर्स हैं, हम सब केयर टेकर्स हैं, और दुनिया की 85% औरतें माएं हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम काम से बाहर क्या हैं, और जब हम इस बारे में सोचना शुरू करेंगे तो अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे, और तभी हमें समझ आएगा कि हमें आखिर बनना क्या चाहते हैं। जैसे कि सीढ़ियों को ऊपर जाने के लिए काफी एनर्जी लगती है, जब लोग हमें इस तरह से जीवन में आगे बढ़ते देखते हैं तो हम अगली पीढ़ी के लिए एक लीडर बन जाते हैं। मैं जिस तरह कोशिश करती आई हूं उससे मैं कैटलिस्ट ऑफ चेंज बन पाई हूं, यानी परिवर्तन का जरिया बन पाई हूं। कमाल की बात यह है कि मैं बहुत ही अनोखे ढंग से अनोखी साइंस के साथ जुड़ी रह पाई। जब 10 या 12 साल पहले लोग मुझे इतना ज्यादा नहीं जानते थे, तब भी मैं न्यूरोलॉजिकल रीजनरेशन कोविड वैक्सीन के साथ जुड़ी थी, मैं माइक्रोबायोलॉजी के साथ जुड़ी थी, खेती के साथ, हम माइक्रोब्स बनाते थे ताकि मिट्टी बेहतर हो सके, इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े भी कई मुद्दे थे। हो सकता है कि हमारी बदलाव की कोशिशें बहुत छोटी हों, लेकिन उनमें दम होता है, ताकत होती है।
और ये जो सारे बदलाव हुए इतने क्षेत्रों में, ये इसलिए नहीं हुए हुए कि मैंने ये मान लिया था कि मैं जो हूँ वो हूँ, बल्कि एक अलग सोच रखने की वजह से ऐसा हुआ। मैं बहुत सारे फील्ड्स के साथ जुड़ी रही हूँ जैसा कि मैंने बताया, लोग ये यकीन करने लगे कि मैं बिजनेस में फाइनेंस के बारे में मैं बताती हूँ, तो ये मेरे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से हुआ। लोगों को ये भरोसा हुआ कि मैंने अपने काम को भरोसेमंद ढंग से किया, तभी उन्हें मुझ पर विश्वास हुआ। इसीलिए लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैंने सचमुच कुछ बड़े बदलाव किए हैं। मैं आप लोगों के साथ यही संदेश छोड़ना चाहती हूं। लोग नए बदलावों के प्रति नए नए विचार लाएं तो इस दुनिया में काफी बदलाव आ सकते हैं। इस खूबसूरत टॉक के लिए बहुत शुक्रिया इवान। मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं साइंस से जुड़ी एक महिला हूं। CGIAR ERG की कन्वीनर भी हूं। मैं साइंस में महिलाओं एक कॉज को लेकर बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। मैंने जेनेटिक्स के फील्ड में भी काम किया है। इसके अलावा मैं जेंडर इक्वेलिटी की भी बहुत बड़ी पैरोकार हूँ। मुझे लगता है कि महिलाएं अपना पूरा रोल नहीं निभा पाई हैं, और साइंटिफिक कम्युनिटी में मैं जेंडर इक्वेलिटी की बहुत बड़ी पैरोकार हूँ। आज आपका इंटरव्यू लेने को लेकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। अभी आपने एक बहुत ही इंस्पिरेशनल टॉक की और ये बात मुझसे भी काफी मेल खाती है। आपने कहा कि आप खुद को ना बदलें बल्कि बदलाव के जरिया बने। अहमियत इस बात की है कि आप क्या बदलाव लाते हैं, और ये बात मुझसे बहुत ज्यादा मेल खाती है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी और फिर ऑडियंस के लिए भी ये मौका दिया जाएगा। मैं पूछना चाहूंगी कि आपको अलग अलग रोल प्रोफाइल्स में जो अनुभव हुए हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे रोल्स निभाए हैं, आपने कौन सी बड़ी चुनौतियों का सामना किया और उनको कैसे ओवरकम किया? अपर्णा, शुक्रिया, आपके साथ मिलकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी चुनौती थी उस दौर से गुजरने की जब आप काम करना शुरू करते हैं तो लोग आपके करिकुलम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो इस बात को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि मैं कौन से स्कूल में गई थी, कौन से कॉलेज में पढ़ी थी,
अब तो मैं इंटरव्यू के दौरान पेपर को देखती नहीं हूँ और ना इंटरव्यू करने वाले को देखती हूँ। जब आप लोगों के इंटरव्यू सुनते हैं जिन्होंने कोई लिस्ट नहीं बनाई थी तो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि ऐसे इंटरव्यूज में ये होता है कि उनके जीवन की बातें निकलना शुरू हो जाती हैं कि उन्होंने अपने जीवन का अब तक का सफर कैसे किया। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती रही थी कि ये जो जीवन के जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो बायसेस हैं, उनका सामना कैसे किया जाए। कंपनीज की उतना महत्व नहीं होता है जितना उन लोगों का जो उसमें काम करते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं, पूरा करते हैं। मैं अपने पहले इंटरव्यू के लिए गई तो पहला सवाल था, क्या आप प्रेग्नेंट हैं और क्या आप अंग्रेजी बोलती हैं। लेकिन आज जब मैं लोगों से पूछती हूं कि आप क्या बनना चाहते हैं, 30-40 साल बाद आप क्या बनना चाहेंगे, फैमिली की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो कैसे माहौल ऐसा बनाएं जो आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो। हम अपनी वर्क लाइफ को अपने हिसाब से क्यों ना ढालें, ये वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आप इंसान पर फोकस करें। मेरा भी यही ख्याल है कि हम उस शख्स के रेज्यूमे को ना देखें बल्कि उस व्यक्ति की जो इंटरव्यू के लिए आया है उसकी फोर्सेस को देखें, उसके स्किल्स को देखें। तो आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उससे क्रिएटिव सवाल पूछे जाएं। मैं एक ऐसे फील्ड से आई हूं जो मेल डोमिनेटेड है। लीडरशिप वाले रोल्स तो वाकई काफी मेल डोमिनेटेड हैं। तो इस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में आपने कौन सी रणनीतियां सफल पाई हैं ताकि इन बाधाओं को तोड़ सकें और अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। शुरू में हमने पुरुषों और महिलाओं दोनों के स्टीरियोटाइप्स रोल थे रहे हैं। जैसे कि लेडीज अक्सर कॉफी सर्व करती हैं, मेरा पूरा करियर ही काफी कॉम्प्लिकेटेड था और मैं कोशिश करती थी कि मैं कैसे इस सांचे में खुद को ढालूं, कि मैं कैसे पुरुषों की तरह एक्ट करूं, उनकी तरह ड्रेस करूं, पर ये बड़ा सब अजीब था। ये सब हम लगातार ये सोचते रहते हैं कि हम कैसे फिट इन हों इस सांचे में। आखिरकार हमने सोचा कि इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और जब मुझे लगा कि इस जगह पर मुझे प्रमोशन लेने में शायद 10 साल लग जाएं, तो मैंने जॉब बदल ली। पर ये दो तरफा भी हो सकता है। अगर हमारी कोई समस्या होती है तो हम उसके बारे में बात करें, लेकिन दिक्कत यह है कि हम बात ही नहीं करते। यह भी हो सकता है कि आज हम जो काम नहीं कर पा रहे हैं, 5 या 7 साल बाद वैसा कर पाएं। तो मैंने ये महसूस किया कि जब हम लोगों को हायर करते हैं तो उन्हें उस जॉब के हिसाब से देखा जाना चाहिए। आपको प्लानिंग करनी होती है कि अगले 5 से 10 साल में किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। तो ऐसे में एम्प्लॉयर का भी फायदा होता है और एम्प्लॉय का भी फायदा होता है, क्योंकि दोनों के जो मकसद हैं वो पूरे हो जाते हैं। आपका संदेश बहुत अच्छा था। अगर हम हिचकिचाए नहीं और खुलकर अपनी बात कहें तो उससे काफी फायदा होगा। मैं आपके नजरिए से यह भी जानना चाहूंगी कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस में हम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, कामयाबी की बात करते हैं, आपने बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, तो क्या आप बता सकती हैं कि ये जो वैल्यूज हैं इनका उन ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से पालन होता है? मुझे लगता है कि कंपनीज में लोगों को तय सांचों में फिक्स करने की कोशिश की जाती है और वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। हमें बहुत अलग अलग तरह के क्षेत्रों से काम करने वाले लोगों से बात करनी चाहिए। हर महिला अलग होती है, हर व्यक्ति का एक अलग कलर होता है, उसकी अलग काबिलियत होती है, तो उसे अपने काम वाली जगह पर कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए। अगर किसी कंपनी में डाइवर्सिटी होगी तो वो सभी के लिए अच्छा रहेगा, वरना तो आपको बहुत सारे सांचे बनाने पड़ेंगे ताकि उनके हिसाब से उन लोगों को उसमें फिट किया जा सके। अगर हम ऐसी खुली सोच रखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें एक दूसरे का सम्मान करना सीखना चाहिए। मुझे एक कंपनी बहुत पसंद है, उनका कम्युनिकेशन शानदार है, उनकी मीटिंग्स कमाल की हैं, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं।
ऐसे माहौल में एम्प्लॉई को बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। बेहतर यही होगा कि इस चीज को पेचीदा ना बनाया जाए। कहने का मतलब यह है कि इस वैरायटी को कैसे हासिल किया जाए, बस ये रास्ता निकालना होता है। इंक्लूसिविटी इस चीज में है कि हम हर आदमी को उसी रूप में स्वीकार करें जैसा कि वो है। हम उनसे बात करें, उनकी बातों को सुनें। जब इंटरव्यू लेते वक्त हम पीस ऑफ पेपर को ना देखें बल्कि उस व्यक्ति से बात करें जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। आपने सही कहा कि इच्छा का होना बहुत जरूरी है। अगर इच्छा नहीं होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि आपकी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, वरना आप लोगों को खांचों में फिट करते रहेंगे। इवन आपके करियर का जो ग्राफ है उसमें काफी ग्रोथ नजर आती है। वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो महिलाओं को लीडरशिप रोल्स में आगे बढ़ने के लिए कौन सी खूबियां होनी चाहिए, आपकी कोई सलाह? यह बहुत दिलचस्प है। महिलाओं के बारे में सॉफ्ट स्किल्स की बात बहुत होती है। एक सोच है कि हार्ड स्किल्स ज्यादा बेहतर होते हैं सॉफ्ट स्किल्स के, पर मेरा कहना है कि सॉफ्ट स्किल्स जो महिलाओं में नेचुरल होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब आप किसी कंपनी में कॉर्पोरेट लैडर पर आगे बढ़ते हैं तो उसका ज्ञान से ज्यादा रिश्ता नहीं होता बल्कि पर्सन इंसानी रिश्ते से ताल्लुक होता है। जैसे जैसे आप कॉर्पोरेट लैडर पर आगे बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि लोगों के दिमाग में कुछ चीजें पहले से नक्श होती हैं। ऐसे में आपके लिए ये जरूरी होता है कि आप लोगों की बात सुने, क्योंकि उनकी अपनी राय होती है। ये सारी स्किल्स महारतें बहुत कमाल की हैं। और हम इस सब के लिए जीवन में तैयार होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम महिलाएं इस काम में ज्यादा बेहतर होती हैं। तो मुझे लगता है कि औरतें जो हैं वो मैनेजमेंट के लिए एकदम तैयार हैं। आपका ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं में सॉफ्ट स्किल्स कुदरती तौर पर होती हैं। आपने सचमुच बहुत बहुत सही बात कही है। अगर इस चीज के लिए हमें रिकॉग्नाइज किया जाए तो हम कॉर्पोरेट लैडर में काफी ऊपर पहुंच सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में भी। मैं ये बात अक्सर सुनती रहती हूँ कि हम औरतों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम ये बात बराबर सुनते रहते हैं कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। मुझसे इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपने बोर्ड मेंबर बनने के लिए कौन सा रास्ता चुना। पिछले 30 साल से मैं बिजनेस के फील्ड में हूं और ये अच्छी तरह समझती हूं कि मुझे
क्या करना है, कहाँ जाना है। आपको ये विचार बदलना होगा, ये सोच बदलनी होगी कि हमें महिलाओं को ट्रेन करना है। इसका ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी कॉमन सेंस से काम लेना होता है। भरोसा सबसे अहम चीज है। आपको ये स्किल, ये महारत सीखनी चाहिए। ये ठीक है कि आपके अंदर कुछ क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अंदर से आनी चाहिए, भरोसे से आनी चाहिए, यकीन से आनी चाहिए। इवोन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि आपसे बातें करती रहूं। आपकी बहुत सारी बातें मेरी बातों से मिलती हैं। मैं चाहती तो थी कि आपसे और आगे बातें करूं, लेकिन मैं दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहती हूं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आगे इजाबेल। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हम सवालों के लिए शुरुआत करेंगे। आपके नजरिए से सिमिट बदलाव के कैटलिस्ट के तौर पर क्या रिप्रेजेंट करता है? सिमिट का पूरा इतिहास ही बदलाव से भरा है। हमारे पास सीड्स की एक पूरी लाइब्रेरी है। यानी सीमेंट के साथ बहुत गहरा इतिहास जुड़ा हुआ है, जो बीजों और खेती से जुड़ा है। अब सवाल यह है कि आप इस इतिहास को कैसे किसी पॉजिटिव चीज में बदलते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप किसानों के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं पैदा कर देते हैं। और खेती तो लोगों का पेट भरने से भी जुड़ी हुई है। सचमुच आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यह बदलाव का जरिया बन रहे हैं। अब अगला सवाल,
मैं अपनी टीम में सबसे अनुभवी हो सकती हूँ और इसीलिए मैं लीडरशिप पोजीशन तक पहुंची हूं, लेकिन लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं कि आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं है बल्कि आप में भरोसा कर सकते हैं। बेहतर होता है कि आप सभी की बात सुनें और उनमें से बेहतरीन समाधान निकालें। अगर स्कूल की भी बात करें तो आप सोचते हैं कि हम किन बच्चों को फॉलो करें? तो अगर हम अपने आप को बदलें, स्किल पर उतना ध्यान ना दें तो बेहतर हो। इतनी खुली बात कैसे करें, स्टीरियोटाइप से कैसे बचें? बातचीत हमेशा पेचीदा होती है। हम अपनी तरफ से कंट्रोल बातचीत को कंट्रोल इस तरह कर सकते हैं जो बातें काफी हार्ड होती हैं अगर अगर हम खुले दिमाग से बातचीत करते हैं कि हम कोई बायस मन में कोई बायस नहीं रखेंगे, तो हमारी बातचीत ज्यादा सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। ऐसे में ज्यादा बेहतर कम्युनिकेशन होगा, लेकिन ऐसा कम्युनिकेशन करना काफी चुनौती भरा होता है, खासकर जिस तरह के माहौल से हम सब लोग आते हैं। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में भूल जाइए। आप अपनी तरफ से ठीक से बात कीजिए। क्या एक महिला के तौर पर आपको ज्यादा चैलेंज झेलने पड़े या फिर आपकी शिक्षा और उम्र की वजह से? इसका जवाब भी वही है, जब हम किसी काम के लिए अपनी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाते हैं तो लोगों का पहला रिएक्शन होता है कि नहीं, इससे बात नहीं बनेगी।
तो हमारी उम्मीदों के हिसाब से हमारे आइडियाज डेवलप होते हैं। सबसे पहले आप ये कहते हैं कि बात नहीं बनेगी, अगर किसी मीटिंग में 5 या 7 पुरुष बैठे हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने आप को अलग दिखाऊं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मुझसे जो कहा जाएगा करने के लिए मैं वो करूंगी। मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, अगर मान लीजिए किसी बोर्ड में सारे पुरुष ही होते हैं तो देखना पड़ेगा कि उसमें अपने पहलू को कैसे रखा जाए, क्योंकि ये बातचीत मुश्किल हो सकती है। तो लोगों की सोच को बदलना जिसके लिए वो तैयार नहीं होते, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी आप बदलाव भी ला सकते हैं और ये काम काफी पेचीदा है। मैं कोई चीज नहीं छिपाती हूँ, सिर्फ अपनी एज छिपाती हूँ। जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो लोग भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर आप जेंडर बैलेंस चाहते हैं और आप आंकड़ों को देखना चाहें तो आप ऐसी महिलाओं को ढूंढ सकते हैं जो आपके सांचे में फिट बैठती हूं। अगर आप लोगों को ऐसे सांचों में फिट करना चाहते हैं जहां वो कंफर्टेबल महसूस ना करें या वो नेचुरल महसूस ना करें तो फिर गड़बड़ हो सकती है। जेंडर बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन का काफी अच्छा रोल हो सकता है, वो कंपनी काफी कामयाब रही है जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। अगर कोई पुरुष घर जाकर घर में काम करता है तो उससे भी जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिलता है। हम सिर्फ महिलाओं को ही इंटीग्रेट करने की कोशिश ना करें बल्कि पर्सनल लाइफ को भी महत्व दिया जाना चाहिए। हमें लोगों की निजी जिंदगी को सम्मान देना चाहिए। उनके परिवार, उनकी होम मेकिंग का भी काफी महत्व है। कंपनीज को जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर सोचना चाहिए, उसी से जेंडर बैलेंस लाने में आसानी होगी। जैसा मैंने पहले कहा कि हमें उन लोगों को उन सांचों में नहीं रखना चाहिए जो पहले से ही बने हुए हैं। इन कोशिशों में हम महिलाएं एक दूसरे का
कैसे सहयोग कर सकते हैं ताकि ताकि हमारा नेगोशिएशन स्किल बढ़े, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सबसे बुरा क्या हो सकता है? हम जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट में लेते हैं कि अगर मैंने सही नहीं किया तो क्या होगा। मुझे लगता है कि हम महिलाएं परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं दोबारा उस काम को करने की कोशिश करती हूँ, मैं हार नहीं मानती। मैं फिलहाल जो फैसला करूंगी उससे दुनिया का रास्ता तो नहीं बदलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार मैं नाकाम होती हूं, लेकिन कोई बात नहीं। और ऐसे में ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी मदद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसाबेल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी कहानी का ये गिफ्ट दिया है, बहुत ही शानदार है। आपने वाकई हमें बहुत इंस्पायर किया अपनी इस कन्वर्सेशन के जरिए। इस सेमिनार में आज 2000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट थे। आपने कहा कि लोगों की बात सुने तो कल की समस्याओं को हल किया जा सकता है। आप जानना चाहेंगे कि अब आगे कौन आने वाला है, हमारे पास बहुत सारे स्पीकर्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन होगा अगला कैटलिस्ट चेंज, तो इंतजार कीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माय नेम इज अल्टाग्रासिया गोमेज एंड आई चेयर अ कंग्लोमरेट नेम पेओ। आई फाइंड इंस्पिरेशन टू डू माय वर्क इन मेनी डिफरेंट थिंग्स, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर कोवर्कर्स टू आवर कम्युनिटीज, बट वी वुड समराइज इट इन वन थिंग। वी बिलीव दैट पर्पस लेजिटिमाइजेस पावर, एंड इन डूइंग सो आवर मिशन एंड आवर एंबिशंस आर ऑलवेज अलाइंड, एंड वी स्ट्राइव फॉर क्रिएटिंग होलिस्टिक वेल्थ। देयर नीड्स टू बी टू थिंग्स दैट एवरी लीडर इन डिफरेंट सेक्टर्स शुड हैव। द फर्स्ट थिंग इज रिप्रेजेंटेशन। So a leader should represent your values, your principles, and your goals. And it should be an aspirational thing to think about your leader. And the second thing that every leader should have is administration capabilities. This means to be able to solve problems, to determine which issues are urgent and which issues are very important, to be able to learn on the spot, and to be able to work as a team and be disruptive without being destructive. Please join our next seminar from our series, Catalyst of Change, Tuesday, July 18th. Stay tuned for the Zoom link.